नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवे, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNP कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम FY BA इस कक्षा की डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा लिखित प्रतिशोध इस एकांकी का अध्ययन हमें करना है। एकांकी के प्रधान पात्रों में श्रीधर, सुशीला और भारवी का चित्रण है तथा गौण पात्रों में आभा तथा भारती, यह गौण पात्र के रूप में चित्रित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा एकांकी सम्राट के रूप में हिंदी जगत में विख्यात है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जाने माने नाटककार, उनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 ईस्वी में हुआ। उन्होंने PhD तक की उच्च शिक्षा प्रदान की। वह प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। उनकी रंगमंच संबंधी अभिरुचि का आरंभ उनके कॉलेज जीवन से ही प्रारंभ होता है। कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ उन्होंने महात्मा गांधी जी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक एवं अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। उनके नाटकों के संयोजन के रूप में उन्हें अप्रतिम ख्याति प्राप्त हुई है। रूसी सरकार के आमंत्रण पर उन्होंने मास्को विद्यालय में एक वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर उन्होंने 150 से भी अधिक लेख लिखे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाटक के साथ साथ कविताएं भी लिखी है। 1990 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की प्रमुख रचनाओं में तथा उनके कविता संग्रह में वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, साहित्य समालोचना, अंजलि अभिशाप, हिंदी गीति काव्य निशित, चित्ररेखा, आधुनिक हिंदी काव्य जौहर तथा उनकी प्रमुख एकांकियों में पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चार ऐतिहासिक एकांकी, ऐतिहासिक नाटकों में एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या उनकी आलोचनाओं में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, शिवाजी, रूप रंग आदि कई विधाएं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने सृजित की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी एकांकी के जन्मदाता भी माने जाते हैं। वह साहित्यिक प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में लेखन कार्य किया है। सौंदर्य और शिल्प और मनोभावों के सूक्ष्म अध्ययन का कार्य उन्होंने किया है। उनकी भाषा सरल और भाव प्रधान है, संवाद चुस्त है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा लिखित प्रतिशोध नामक एकांकी में पुत्र भारवी के प्रति माता सुशीला का वात्सल्य उभर कर सामने आता है। एक माँ का वात्सल्य तथा उनकी ममता उसकी तुलना में दुनिया के किसी प्रेम से नहीं हो सकती। पुत्र प्रेम के सामने सभी वेद उपनिषद फिजूल लगने लगते हैं। श्रीधर सुशीला को एक श्लोक पढ़कर उसका आशय समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु उनके समझ में आया कि उनकी पत्नी का ध्यान उनकी बातों की ओर नहीं है। अतः वह उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। उसी समय वह सुशीला का ध्यान न होते हुए देखकर वह सुशीला को कहते हैं, तो सुशीला कहती है,
अपने पुत्र का स्मरण करते हुए। वह कहती है कि मेरा भार भी अभी तक घर में नहीं आया। श्रीधर अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं कि इस धारा नगरी में उनके आकर्षण के कई केंद्र हैं, कहीं बैठ गया होगा, वह महाकवि होने के कारण किसी कविता का आशय खोजने में लग गया होगा। तुम भार्वी की चिंता मत करो, तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का प्रेम संसार से अलग ही है। सुशीला अपना पुत्र घर में न आने के कारण वह उनकी रट लगाती है। श्रीधर अपनी पत्नी को पत्नी सुशीला को कहते हैं, भार्वी एक महाकवि है, कवि शासन पर राज करता है, कवि संसार में रहकर संसार से परे हो जाता है, वह कल्पना से संसार के समूहों का निर्माण कर सकता है। सुशीला अपने पति को समझाने का प्रयास करते हुए कहती है, क्या पुत्र भार्वी महाकवि होकर क्या मेरा पुत्र नहीं रह गया? वह कल्पना के द्वारा अपने माता का निर्माण कर सकता है। अगर वह कल्पना के द्वारा अपनी माता का निर्माण कर सकता है तो वह कर ले, परंतु मैं ही उसकी माता हूं और मैं ही उसकी माता रहेगी, क्योंकि शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय नहीं बांधा जा सकता। शास्त्र में सिद्धांत है, प्रेरणा नहीं। शास्त्रों में माता की प्रशस्ति होती है किंतु माता का हृदय का स्पंदन नहीं है। शास्त्र तो केवल तत्वों की बात करता है, उसे आंसुओं की तरलता और सुख की विवलता का अनुभव नहीं है। सुशीला के विचार सुनकर श्रीधर अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं, क्या पुत्र माँ के आंसुओं की तरलता और सुख की विवलता का अनुभव करता है? अपनी व्याकुलता छोड़कर शास्त्र का चिंतन करने की सलाह पति के द्वारा सुशीला को दी जाती है। भार्वी कोई शिशु नहीं है कि जिसे भोजन करने के लिए अपनी माता की दुलार की आवश्यकता हो। वह किसी कवि सम्मेलन में बैठकर सम्मेलन का आनंद लेता होगा, परंतु पति के समझाने पर भी सुशीला अपने पुत्र का स्मरण करते हुए कहती है, आप शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं परंतु मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भार्वी दूसरे दिन भी घर नहीं आया है। क्या शास्त्र का चिंतन और पांडित्य मनुष्य को इतना निष्ठुर बना देता है? मेरा भार्वी कहीं अन्यत्र भोजन नहीं करता, वह भूख प्यास में कवि गोष्ठी में रुचि नहीं ले सकता। सुशीला का पुत्र प्रेम की बातों से श्रीधर उब जाते हैं। वे कहते हैं, तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों मूर्ख हैं। सुशीला उन्हें कहती है, यदि पुत्र के लिए माँ की ममता अगर मूर्खता है तो ऐसी मूर्खता मुझ में हमेशा बनी रहेगी। शायद आपने ही उसे घर में आने के लिए रोक दिया होगा, क्योंकि पिता सब कुछ कर सकता है, अपने पुत्र को घर से निर्वासित कर सकता है, वह उसे अपनी जाति से निर्वासित कर सकता है, पिता अपने पुत्र को समाज से भी निर्वासित कर सकता है। प्रतिक्रिया स्वरूप श्रीधर उसे समझाते हैं, भले ही पिता पुत्र को अपने घर से निर्वासित करें, परंतु अपने हृदय से कभी निर्वासित नहीं कर सकता। पुत्र यदि अन्याय का आचरण करें, धर्म के प्रतिकूल चले, तो पिता पुत्र को निर्वासित कर सकता है। सुशीला कहती है, आपने ही भार्वी की ताड़ना दी होगी। तो वे कहते हैं, यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले तो कभी कभी ताड़ना अनिवार्य हो जाती है। सुशीला अपने पति को अपने पुत्र की ताड़ना का कारण पूछती है, तो वह बता देते हैं, भार्वी शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को पराजित कर रहा था,
पंडितों की हार से उनका घमंड और अहंकार बढ़ता जा रहा था। उसमें विद्वत्ता की घमंड के साथ गर्व भी दिखाई देता है। यह सब मुझसे सहा नहीं गया। पुत्र का अहंकार होने पर अनुशासन करना मेरी दृष्टि से उचित था। सुशीला पुत्र प्रेम से विचलित हो जाती है। वह अपने पति की शिकायत करते हुए कहती है कि अब मेरा भारवी अब घर लौटकर नहीं आएगा। अपने अनुशासन के नाम पर मेरे पुत्र की बलि दी, उन्होंने खुदकुशी की होगी या देशांतर किया होगा। परंतु श्रीधर उसे समझाते हैं कि तुम्हारा पुत्र आज्ञाकारी है और वह आज्ञाकारी होने के कारण वह तुम्हारी आज्ञा के बिना नहीं देशांतर कर सकता है, नहीं वह खुदकुशी कर सकता है, कारण तुम्हारा पुत्र आज्ञाकारी है। सुशीला को भारवी आने का आभास होता है, परंतु उनकी सेविका आभा आ जाती है। आभा से भारवी की खोज करने के लिए वह कहती है और कह देती है कि जब तक मेरा भारवी घर में नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाना चाहती। श्रीधर सुशीला को समझाते हैं, तुम्हारे हृदय के दुख को मैं समझता हूँ। मैं प्रातः काल उसे खोजने के लिए मैं जाऊँगा और उसे खोजकर तुम्हारे पास में लेकर आऊँगा। यदि प्रेम न हो तो अनुशासन का कोई मूल्य नहीं है। अनुशासन के लिए या अनुशासन में प्रेम भी महत्वपूर्ण है। अब तुम शांति से शयन करो, तुम भावुक मत बनो। सुशीला श्रीधर से कहती है कि आप मेरे लिए न सही, उनकी पत्नी के लिए भारवी की खोज कर कर लाओ। श्रीधर और सुशीला के बातचीत के दौरान भारती वहाँ आती है। भारवी के बारे में वह कहती है, आज तक मैंने महाकवि भारवी जैसी वेदांत की मीमांसा किसी से नहीं सुनी। उन्होंने जो शास्त्रार्थ किया है, मानो उसके द्वारा शास्त्रों को नया जीवन मिल जाए। मैंने उन्हें मालिनी तट पर देखा था, मुझे लगा कि अब तक वह घर में आए होंगे। मैं कल सुबह भारवी की सेवा के लिए उपस्थित रहूंगी। और वह भारती आज्ञा लेकर वहां से चली जाती है। श्रीधर सुशीला को सहने के लिए कहते हैं और आश्वासन देते हैं कि मैं कल भारवी को खोज कर लाऊंगा। तो सुशीला कहती है, मैंने भारवी के बिना मैं नहीं जी सकती। वह शयन करने का प्रयास करती है, परंतु उसे नींद नहीं आती। श्रीधर उसे समझाते कि आप अपने मन को कल्पना से मुक्त करो। सुशीला विश्वर की शक्ति में विश्वास रखने के लिए कहा जाता है। श्रीधर कहते हैं, बीज से फूल कितने दूर रह सकता है, किंतु बीज कभी कभी मलिन नहीं होता। वह फूलों को प्रफुल्लित रखने के लिए निरंतर रस भेजा करता है। तुम भी मंगल कामना करो कि जहां भी तुम्हारा पुत्र हो वह सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे। ईश्वर की शक्ति कण कण में वर्तमान है, वह सबका पोषण करता है। परंतु सुशीला की विरह अग्नि बढ़ती ही है। वह उन्हें कह देती है कि मुझे अभी मेरा पुत्र चाहिए। और उसी समय श्रीधर उसे समझाते कि सुशीला, तुम अशांत हो तो मैं तुम्हारे पुत्र की खोज करने के लिए अभी चला जाता हूँ। तो सुशीला ही श्रीधर को समझाती है कि आप प्रातः काल में ही उसे खोजने के लिए चले जाओ। अब अंधकार में वो आपको कहाँ मिलेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे लाल की निंदा करना छोड़ दें। श्रीधर सुशीला को समझाते हैं, मेरा लाल भारवी इस संसार का श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ महाकवि है। दूर दूर देशों में उनकी समानता करने का किसी में साहस नहीं है। वह शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडितों को पराजित कर चुका है।
उसका पांडित्य देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है, किंतु मेरे भारवी के मन में अहंकार दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसके मन में अहंकार जम रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भारवी और भी महापंडित बने, महाकवि बने, परंतु अहंकार उन्नति में बाधक हो जाता है। मैं उसके अहंकार पर अंकुश करना चाहता हूँ कि जिससे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाए, वह अधिक उन्नति उस अहंकार के कारण नहीं कर सकता। कारण मनुष्य के मन में एक बार अहंकार जम जाने पर वो उन्नति नहीं कर सकता। यही कारण है कि समय समय पर मैं उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता हूँ। प्रशंसा तो सभी करते हैं, किंतु अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। श्रीधर की उदारता देखकर सुशीला प्रभावित हो जाती है। वह प्रश्न करती है, क्या आप मेरे लाल पर क्रोध प्रकट करते हैं? वह सत्य नहीं है। प्रतिक्रिया स्वरूप श्रीधर कहते हैं कि मैं भी पुत्र की मंगल कामना करता हूँ कि मेरा पुत्र विद्वान और अपने जीवन में सफल बने। सुशीला और श्रीधर के वार्तालाप के दौरान भारवी तलवार लेकर वहां उपस्थित होता है। भारवी को देखकर सुशीला का मात्र हृदय विह्वल हो जाता है। वह उसे कहती है, मेरे बेटे तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? तू इतनी दूर तक कहाँ था? भारवी सुशीला को शांत रहने का उपदेश देता है। तो प्रतिक्रिया स्वरूप सुशीला कहती है, प्रभु इस संसार में मां के चित्त को स्थिर क्यों नहीं बनाया? अपने पुत्र से कहती है, अभी तक तुमने कुछ खाया या नहीं? भारवी सुशीला को कहता है, मुझे इतनी ग्लानि हुई कि जीवन भर मुझे भूख न लगी। भारवी की बात सुनकर वह भोजन लाने के लिए चली जाती है और उसी समय भारवी अपने पिता श्रीधर से कहता है, पिता मैं आपका पुत्र होने के योग्य नहीं हूं, इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिए, मैं विकल बुद्धि हूं। और प्रतिक्रिया स्वरूप पिताजी उसे समझाते हैं, वत्स तुम्हारी मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते, तुम्हारे हाथों में लेखनी होनी चाहिए, तलवार नहीं। परंतु भारवी अपने ही बात पर अड़िग रहकर पिताजी से कहता है कि मेरा क्रोध रक्त के प्रवाह से ही हटेगा और वह रक्त मेरे मस्तक का ही होगा। श्रीधर भारवी को समझाते हैं कि मस्तक में ब्रह्म का निवास होता है, तुम्हारे हाथ में तलवार है और पिता से मस्तक काटने को कहते हो, तुम्हारी इसी भावना से मैं लांछित हूं। भारवी अपने पिताजी से अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहता है, मैं शास्त्रार्थ में विजयी होने के बाद पंडितों की भरी सभा में आपने मुझे ताड़ना दी। उसी समय मैंने सोचा कि जब तक पिताजी वर्तमान है तब तक मुझे इसी तरह से लांछित होना पड़ेगा, इसीलिए मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक बढ़ता गया और मैंने सोचा कि पिताजी के जीवन को समाप्त कर दूं। परंतु जब आधी रात में आप और माताजी निद्रा में थी, मैं दबे पाँव आकर यह तलवार तुम्हारे गर्दन पर रख देना चाहता था। परंतु उसी समय श्रीधर भारवी से कहते हैं कि कितना अच्छा होता कि मुझे अपनी मृत्यु तुम्हारे हाथों से मिलती, यह कार्य तुम अब भी कर सकते हो। उसी समय वह अपमानित हो जाता है, कह देते कि अब भी तुम्हारे हाथ में तलवार है। परंतु भारवी अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे और लांछित न करो, आप मेरे अहंकार को दूर करने कर उन्नति चाहते हो,
आप प्रतिदिन मेरी उन्नति के अभिलाषी हैं, इसीलिए मेरा क्रोध इसी तरह से मेरा क्रोध पानी की तरह अश्रुधाराओं के रूप में प्रवाहित हो गया। मैं पापी हूँ, इसलिए पितृहत्या से प्रतिशोध लेने वाला अपना यह पुत्र प्रायश्चित्य के रूप में अपना मस्तक काटने की भिक्षा मांगता हूँ। भारवी अपने पिताजी को दंड लेने के लिए जिद करता रहा, वह स्वयं के लिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार दंड लेना चाहता है, परंतु उसी समय श्रीधर उसे समझाते हैं कि भारवी तुम्हारे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित्य है। परंतु भारवी अंत तक दंड मांगता रहा, दंड मिलने के लिए जिद करता रहा, और परिणाम स्वरूप श्रीधर ने उसे दंड दे दिया कि आज से ससुराल में जाकर सुन की सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना। परंतु उसी समय भारवी बहुत खुश होता है और अपने हाथ की तलवार वो फेंक देता है और कहता है कि आज से मेरा प्रायश्चित्य प्रारंभ हो गया। सुशीला थोड़ी देर के बाद भारवी के लिए भोजन लेकर आती है और कहती है कि तुझे मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। परंतु भारवी अपनी माँ के पास झूठी रोटी की मांग करता है और 6 महीने के बाद तुम्हारे हाथों से भोजन करने का आश्वासन अपनी माँ को देता है। परंतु झूठे भोजन की बात सुशीला के समझ में नहीं आती। उसी समय श्रीधर उसे समझाते हैं कि यह उसका प्रायश्चित्य है। उसी समय भारवी माता पिता को प्रणाम कर प्रतिशोध लेने के लिए चला जाता है। भारवी के पश्चाताप का सुशीला को काफ़ी अचरज होता है और अंत में माता का हृदय पुत्र वियोग से द्रवित हो जाता है और सुशीला कहती है मेरे लाल लौट आओ। प्रस्तुत एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदर्श माता, आदर्श पिता और आदर्श पुत्र की स्थापना की है। माता का हृदय हमेशा पुत्र की मंगल कामना करता है, जिनके सामने सारे शास्त्रार्थ निरर्थक है। परंतु एक माता जितना प्रेम अपने पुत्र से करती है, उससे भी अधिक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है। परंतु पुत्र पिता का प्रेम अव्यक्त है, माता का प्रेम व्यक्त होता है। अतः पिता भी अपने पुत्र से प्रेम करता है। अतः इस कहानी के इस एकांकी के द्वारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अहंकार उन्नति के लिए किस तरह से बाधक होता है, अहंकार जम जाने पर मनुष्य उनकी प्रगति नहीं कर सकता, यही इस एकांकी का मुख्य प्रतिपाद्य है। धन्यवाद।